मैं आपका दोस्त रामराज फिर से लेकर आ चुका हूं बेरोजगार भत्ते की लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज फिर से कुछ जिलों का अभी अभी अप्रैल बिल पास किया गया है, उनके बारे में फाइनली बात करने वाले हैं। अब तक कितने जिलों का बिल पास हो चुका है और दोस्तों पिछले वाले वीडियो के सभी कॉमेंटों का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों हाँ, आपको सबसे पहले बता दें कि वीडियो को पूरा देख कर ही कॉमेंट करें, आपके कॉमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। बाकी दोस्तों पेमेंट का ईसीएस कब होगा, पेमेंट कब आएगा, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों कुछ साथियों के जो कि बिल पास करके वापस से हटा लिया गया है, आगे क्या करना है तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। नए फॉर्म वाले भी ध्यान दें, नेक्स्ट कब होंगे उसके बारे में पूरी अपडेट वीडियो में लेकर आ चुके हैं। पहले पूरा वीडियो देखें फिर ही कमेंट करें, तो सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो इस अटेंडेंस को दोस्तों देखो क्यों दिखा रहे हैं, तो इसमें कुछ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ये मई की अटेंडेंस है। दोस्तों देखो इस अटेंडेंस को वेरीफाई भी कर दिया है, लेकिन इसमें रिमार्क में आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम आवर बता दिया है, ये आज ही की डेट में चेक हुई है और इसको वेरीफाई क्यों किया गया है। तो देखो दोस्तों अगर आपको 2 साल पूरे हो जाते हो और फिर भी आप अटेंडेंस अपलोड कर देते हो तो देखो आपकी अटेंडेंस वेरीफाई भी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों उसका पेमेंट नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको 2 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में अटेंडेंस अपलोड ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों आप अपने 2 साल का पूरा ध्यान रखें, जब भी आपका 2 साल कंप्लीट हो तो आप बाद में अटेंडेंस अपलोड ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आप देख सकते हो रिमार्क आ चुका है टाइम आवर, तो इनके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन साथियों के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं वो अटेंडेंस अपलोड ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन अगर दिल की तसल्ली के लिए आप अपलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें रिमार्क आ जाएगा, आपका पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बिल पास के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर बाद में दोस्तों पेमेंट की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर दोस्तों एक और बात जो कि बिल पास करके हटा लिया गया है, तो ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, तो झुंझुनू के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रैल 2024 का बिल पास हो चुका था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन इसमें वापस से हटा लिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें, देखो दौसा डिस्ट्रिक्ट से भी वापस से हटा लिया गया है, कुछ साथियों के बिल हट गए हैं, और गंगापुर डिस्ट्रिक्ट से भी बिल पास करके हटा लिया गया है। तो सभी साथी ध्यान दे, देखो आपको आगे कुछ नहीं करना है, ये देखो टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आ रही है अभी ज़्यादा, क्योंकि देखो जनसु प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, आपके बिलों को वापस से शो कर देंगे जिनके बिल पास हो चुके हैं, आपको आगे कुछ नहीं करना है, 1-2 दिन के अंदर वापस शो हो जाएगा दोस्तों, नो टेंशन रहो। ये कई बार ऐसा टेक्निकल इशू आ जाता है, उसकी वजह से वापस हट जाता है, वहाँ पर शो नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिनके बिल पास पहले हो चुके थे और अब हट गए हैं तो वह 1-2 दिन का वेट करें, वापस से शो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी यहाँ पर बिल पास की बात करें, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट यार देखो अब की बार बाजी मार लिया है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का भी अप्रैल 2024 का बिल पास कंप्लीट हो चुका है, मेल और फीमेल कैंडिडेट होगा, सभी साथी एक बार जरूर चेक करें। इसके अलावा चूरू डिस्ट्रिक्ट का भी दोस्तों अप्रैल 2024 का बिल पास हो चुका है, सभी साथी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स चेक करें अपने बिल को। और यहां पर दोस्तों अलवर डिस्ट्रिक्ट का पहले ST SC का बिल पास हो रखा था, लेकिन अब जनरल OBC का सभी कैटेगरियों में बिल पास कर दिया गया है, तो सभी साथी अपना बिल जरूर चेक कर ले। बाकी इसके अलावा आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का भी अप्रैल 2024 का बिल पास हो चुका है, मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अपना बिल जरूर चेक कर ले। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट जिले की बात करें, जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बेरोजगार भत्ता लेने वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इनका दोस्तों देखो अप्रैल 2024 का मेल और फीमेल कैंडिडेटों का सभी कैटेगरियों में दोस्तों जयपुर में ऑल कैंडिडेटों का बिल पास हो चुका है अप्रैल 2024 का, आप यहाँ पर देख सकते हो मेल और इसके अलावा फीमेल डेट, तो अप्रैल 2024 का बिल कंप्लीट हो चुका है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। सो सभी साथी अपना बिल जरूर चेक करें, जिनका बिल पास नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसके अलावा दोस्तों अब तक की बात करें, तो इन 27 जिलों का कंप्लीट बिल पास हो चुका है अप्रैल 2024 का, तो सभी साथी अपना बिल जरूर चेक कर ले। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी का बिल पास हो चुका है, मेल और फीमेल कैंडिडेटों का, हैंडीकैप कैंडिडेटों का, तो सभी अपना बिल जरूर चेक कर ले। बाकी दोस्तों इसके अलावा कुछ साथियों के कॉमेंट थे पिछले वाले वीडियो में, तो उनको पटा पट से पूरा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या कमेंट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चलो देखते हैं।
तो दोस्तों ये रहे वो कमेंट जिसमें दोस्तों देखो फटाफट से देख लेते हैं जून जुलाई का पेमेंट कब होगा। तो दोस्तों देखो अभी पेमेंट आना शुरू नहीं हुआ है, अभी देखो पेंशन आ रही है तो आपका पेमेंट भी बहुत जल्द आएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है तारीख बताओ कब तक आएगा पेमेंट। तो दोस्तों देखो आपको बता दें कोई इसकी फिक्स डेट नहीं है, पेमेंट की बिल की किसी की भी फिक्स डेट नहीं होती है, ये कभी भी आ सकता है, इस पर कोई फिक्स डेट नहीं रखी गई है। बाकी इसके अलावा दूसरा कमेंट और प्लीज़ एसएसओ आईडी में जिला चेंज करने का ऑनलाइन ऑप्शन दो, डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता, बहुत दूर पड़ता है। तो देखो दोस्त आपको रोजगार कार्यालय जाना होगा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिख कर देना होगा, आपके गाँव के अंदर आपके पास में स्कूल में कहीं पर भी आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो दोस्त वहाँ पर एक बार तो आपको जाना ही होगा और वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा। और इसके अलावा जनवरी से अप्रैल तक का मेरा बिल पास नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर अभी तो स्टॉप भी नहीं हुआ है, नाम भी चालू है। तो देखो दोस्त आप पहले तो काउंट कर लेना कि आपके 2 साल पूरे हुए हैं या नहीं, और उसके बाद में अटेंडेंस को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। बाकी अगर अटेंडेंस में भी कुछ भी मिस्टेक नहीं है तो आपको जिला रोजगार कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसे बिलों को रोक लिया जाता है। तो आप वहाँ पर जाकर एक बार संपर्क करें क्या मिस्टेक है, तो आपको वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी इसके अलावा सभी पेमेंट की तो सरकार से तो जी ये बिल्कुल राइट बात है, सभी 181 पर शिकायत ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आगे पता चल सके कि बेरोजगारों का पेमेंट रुका हुआ है। और यहाँ पर अगला कमेंट, गवर्नमेंट पैसा देगी तो ईसीएस होगा नहीं तो नहीं? हाँ तो दोस्तों देखो ईसीएस होगा तभी आपको पेमेंट मिलेगा, बाकी ईसीएस होने के बाद में ही पेमेंट आता है, ईसीएस नहीं होगा तो आपका पेमेंट नहीं आने वाला। ठीक है सर, मेरा दिसंबर के बाद बिल पास नहीं हुआ है चूरू से। तो देखो दोस्त आप अपनी अटेंडेंस को चेक करो और जिला रोजगार कार्यालय में एक बार संपर्क करना होगा, क्योंकि दोस्तों देखो दिसंबर से तो बहुत साथियों के बिल पास हो चुके हैं, अभी दोस्तों सितंबर चल चुका है और यहाँ पर तो बिल के अप्रैल के पास हो रहे हैं। तो एक बार आप जिला रोजगार कार्यालय में संपर्क करो। और हेलो सर, मैंने ऑनलाइन स्किल इंडिया में इंटर्नशिप की है बट पता अभी तक नहीं आया है। तो देखो जिन्होंने ऑनलाइन स्किल इंडिया पर इंटर्नशिप की है तो वो साथ ही सभी थोड़ा अभी वेट करें, आरएएस एलडीसी वालों का भी बिल अभी नहीं बना है तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, बाकी बहुत जल्द आपके भी बिल बन जाएंगे, आप टेंशन ना लो, बाकी अपनी अटेंडेंस पर ध्यान दो। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कमेंट जो कि जाके थोड़ा कर्जा चुके तो टेंशन खत्म होगी, तो सही बात है यार, ज़्यादा कर्जा भी मत करो बेरोजगार भत्ते के चक्कर में, क्योंकि दोस्तों देखो इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, पेमेंट थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा कर्जा ना करें। मेरे को पहले शिक्षा विभाग मिला था, फिर मैं चेंज करवा कर पंचायत विभाग आवंटित करवा दिया आया हूँ, आवंटित हो गया है पर अब क्या करूँ? तो देखो दोस्त आपको ज्वाइनिंग करना होगा पंचायत विभाग के अंदर और महीने महीने इंटर्नशिप करनी होगी, वहाँ पर जाना होगा 4 घंटे और महीने के अटेंडेंस अपलोड करना होगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट, किसी भी भाई लास्ट का कमेंट है कि ये पागल बनाता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्त मैं पागल तो नहीं बनाता, आप अगर पागल ही बनना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतने साथी वीडियो देखते हैं हमारा तो उसमें कोई देखो फालतू की अपडेट नहीं देते हैं, जो भी अपडेट रहती है आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। बाकी मेरे पास देखो आपका कुछ भी नहीं है, ना ही पेमेंट है, ना ही मेरे को पेमेंट आप दोगे, बाकी हाँ मेरा काम है आप तक अपडेट पहुंचाना। मैं 10 साल से वीडियो बना रहा हूँ, आज दिन तो मैंने कोई फर्जी अपडेट नहीं दिए हैं, बाकी आपको अगर फर्जी लगती है तो मत देखो यार, मैं जोरी थोड़ी करता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखो। तो देखो फर्जी कोई अपडेट नहीं देता हूँ, ना ही पागल बनाता हूँ, जो भी अपडेट रहती है आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ, मैं बस आपका दोस्त आपका सेवक हूँ, आप तक पहुँचा देता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट फॉरम अपलोड होंगे और जो नए फॉरम अपलोड हुए हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिन साथियों के अभी अपलोड फॉरम हुए थे 10 सितंबर को, तो वह सभी साथी अपने टेक्निकल कोर्स की डिटेल जल्दी से फिल करें और जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर बनवा कर अपलोड करें, जिनको विभाग आवंटित होने के बाद में, यानी कि दोस्तों आपको एसएसओ आईडी पर शो हो जाएगा, जिनको भी विभाग आवंटित किया जाएगा 1-2 दिन के अंदर आपको विभाग आवंटित हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी टेक्निकल कोर्स की डिटेल फिल कर दें सबसे पहले, उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट अलर्ट होते ही दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर बनवाना है 7 दिन के अंदर और फिर अपलोड कर देना है, आपको इंटर्नशिप महीने के महीने करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट हो तो कॉमेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट फॉर्मों की बात रही तो दोस्तों महीने के लास्ट तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर फर्स्ट वीक का, जो अगला नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके फर्स्ट वीक का, तो आपको थोड़ा देर बनाए रखना होगा। बाकी ईसीएस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो इस अपडेट के अनुसार 90 लाख लोगों की 3 माह से 10
दिन से रुकी हुई है, पेंशन कब मिलेगी? तो दोस्तों ये अभी पेंशन का ये चल रहा है जिसमें ACS ने बोला है कि हफ्ते भर में जारी कर देंगे पेंशन। भास्कर ने पेंशन को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग ये अपडेट छपी है दोस्तों। तो ACS अभी पेंशन वालों का ये होगा, अभी आपको थोड़ा रुकना होगा, पेमेंट भी बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी दोस्तों आप इस अपडेट को देख लेना। इसमें देखो अभी बुजुर्गों का, एकल महिलाओं से जो व्यवहार चिंताजनक है उनको अभी पेंशन मिलना शुरू हुई है, तो आपको भी जल्दी मिलेगी। तो आप थोड़ा देर बनाए रखिए। बाकी दोस्तों अपडेट कैसी लगी? अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों मस्त रहो, बाय।